कर देते हैं, नो कर देते हैं। अब हमने इसको भी बंद कर दिया। या सिंपल क्रिएट क्रिएट ओके। अब देखिए एक सिंपल फॉर्म बना रहे हैं। जैसे इधर गए, यहां पर लिखा हमने, एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया, ठीक है, और एक हमने बटन बनाया जिसमें लिख दिया चेक। क्या लिख दिया? मैंने कोई भी प्रकार से, हो गया क्लियर। अब इसको हम किस टाइप में बना रहे हैं? टेक्स्ट टाइप। तो इसका नाम हमने रख दिया A, AA, राइट। इसका नाम क्या रख दिया? नेम के सामने इसको सेलेक्ट किया। इसको सेलेक्ट करोगे तो लेवल दिखेगा जी, तो आपको इस टेक्स्ट बॉक्स को ही सिलेक्ट करना है। अब देखिए इस कोड पे जाके, और हमने लिखा, क्या लिखा? कमांड पे जाके div डायमेंशन कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? डायमेंशन। जब भी इंटीजर को आपको डिक्लेयर करना है, और हमने वेरिएबल का नाम बना दिया n या t बना दिया, t फॉर टेक्स्ट कर दो, div t एज स्ट्रिंग। जे टी मतलब टी वेरिएबल होगा, वो कैरेक्टर टाइप का होगा। क्या होगा? हाँ, डी में जो डेटा, टी में जो डेटा स्टोर होगा वो कैरेक्टर टाइप का होगा। उसमें किस प्रकार के डेटा भर सकते हो आप? किस प्रकार का? अक्षर, 0 से 9, ए से जेड, ये भर सकते हो। तो कैसे हम भरेंगे? अब हमने बाय डिफॉल्ट कर दिया, जैसे हमने लिखा टी इक्वल, क्या लिख दिया? टी इक्वल यहां पर लिख दिया ए ए। इसका मतलब ये हुआ कि ए में जो मान भरा है वो टी के बराबर हो जाएगा, टी का मान कहलाने लगेगा, ठीक है। फिर हमने लिख दिया एम एस जी बॉक्स, यहां पर हमने क्या कर दिया? देखो टी, बस टी में जो डेटा लिखा है वो यहां शो हो जाए, राइट। तो देखिए अभी आप क्या करेंगे, इसको बंद करेंगे। तो टी में क्या होता है, जैसे राम लिखोगे चेक, तो राम भी आ गया। यहां पर नंबर लिखोगे तो नंबर भी आ गया। यहां पर नंबर डॉलर कुछ भी लिखोगे तो जी स्ट्रिंग था। कौन सा था? इसमें हम 0 से 9, ए से जेड, विभिन्न प्रकार के सिंबॉलिक, 255 प्रकार के डेटा टाइप हैं, तुम्हारे कैरेक्टर हैं जिसको स्टोर किया गया, वो सारे के सारे इसमें इंपोर्ट करा सकते हो, राइट। ये था कौन सा? स्ट्रिंग टाइप, क्लियर। ये क्या बनाया हमने? स्ट्रिंग टाइप। ओके, नहीं तो अभी ओपन बॉक्स बता देते तो दिक्कत हो जाती कि कैसे डॉक्यूमेंट्स ओपन हुआ। अभी हो सकता है दिमाग में चल रहा हो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है? तो इसके लिए, क्योंकि अब जब फॉर्म भरते हो तो अलग अलग डेटा टाइप बनाना पड़ते हैं, कि डेट टाइप में आना चाहिए, कैरेक्टर टाइप में आना चाहिए,
बोलियन टाइप में आने चाहिए, मैं सत्य सत्य। तो उस समय यदि आप टेक्स्ट टेक्स्ट कर देंगे तो आपका डेटा की साइज बड़ी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, और फिर फॉर्म भरने के बाद सबमिट करोगे तो बहुत टाइम लेगा। तो उसको इस हिसाब से बनाया जाता है कि उसका वजन हल्का हो। जैसे एरोप्लेन बनता है भाई, उसमें ऐसी चीजें यूज की जाती है जिससे उसका वेट, मारुति जैसे देख लो, उसका वेट भी कैलकुलेट होता है कितना वेट लेके ये चलेगी। जब तो औसत देख गया, उसमें 10 किलो वजन ज्यादा पड़ता है तो उसका औसत कम हो जाता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनोगे तो ये सारी चीजों का कैलकुलेशन आना जरूरी है। तो क्लियर हुआ। अभी हमने केवल देखा कौन सा डेटा टाइप, देखा स्ट्रिंग। अब देखते हैं नंबर। नंबर की हम बात करते हैं, इंटीजर की बात करते हैं। जैसे हमने लिखा टी एज इंटीजर, क्या लिखा, कुछ नहीं, केवल डेटा टाइप बदला है हमने, और तो कुछ नहीं किया, डेटा टाइप बदला है ना। अब देखते हैं, बात करते हैं, क्या है टाइप मिसमैच, पूरा पढ़ो, रन टाइम एरर 13 टाइप। अब आपको क्या करना है, डिबग पे जाना है और स्टॉप करना है सबसे पहले, तो या एंड भी कर सकते थे, इसको बंद करोगे। अब यहां से आपको 12 भरोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं करेगा, ये पूर्णांक वैल्यू को दिखाने का काम करता है। दशमलव 2-5 कर दोगे तब भी पूर्णांक वैल्यू आएगा, कुछ आ रहा, क्योंकि इंटीजर का मतलब ही है, हमने पढ़ाया एक्सेल में भी, इंट इंटीजर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। उधर आईएनटी के नाम से कॉल करते थे, इधर किसके नाम से कॉल कर रहा है, इंटीजर। उधर शॉर्ट फॉर्म चलता था, शॉर्ट फंक्शन बनाया था इंट, और यहां पर क्या आ गया, इंटीजर। तो जैसे हमने 5.91 दिया, इसने कितना कर दिया, पूर्णांक 6, जबकि एक्सेल में क्या कर रहा था, दशमलव के बाद वाली वैल्यू को पूरा छोड़ रहा हो। तो यहां फर्क है इंटीजर में, लेकिन पूर्णांक वैल्यू दिखाने का काम कर रहा है। तो केवल एक डेटा टाइप बदलने से हुआ, जे डेटा टाइप हमने कहां से बदला, इसके कोड में जाके, कहां पर बदला, कोड में जाके, राइट। तो जे इंटीजर टाइप का डेटा हो गया तुम्हारा भैया। क्लियर, हाँ यही तो डिफाइन किया है, जैसे माना कि एक्स, एक्स क्या होता, एक्स क्या होता, तो जी तो अज्ञात, तो टी तो है, टी तो साइलेंस मोड में से काम कर रहे। माना कि एक्स का मान 10 है, मान लेते थे काय माने, हम जा भी कैसे काय माने एक्स का मान 10, लेकिन नहीं कहते, बढ़िया पहले से चली आ रही बात है, कहते गए मान ले, हम भी मान ले। तो यहां पर कोड में दिया गया है कि मतलब एक वेरिएबल को डिफाइन, मतलब कंप्यूटर की अस्थाई जो मेमोरी है उसमें एक ऐसा वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो, एक ऐसी अस्थाई वैल्यू इनपुट कर रहे हो जिसका हम कभी भी यूज कर सकते हैं, वो केवल हम ही कर सकते, कंप्यूटर नहीं करेगा। हम उसकी अस्थाई मेमोरी में एक ऐसा डेटा स्टोर कर रहा है कि जब जरूरत पड़ेगी तो हम उसे कॉल कर लेंगे, और नहीं पड़ेगी तो, जी कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी में उसे याद रख भैया, यदि हमें जरूरत पड़ेगी तुम याद रखना। तो हम यहां उसको डिफाइन कर देते हैं, पहले यहां पर क्या किया, डिक्लेयर किया, यहां पर डिफाइन किया कर दिया, यहां पर कॉल कर दिया, क्या डिक्लेयर किया तुमने, डिम टी एज इंटीजर, क्या किया, एक इंटीजर टाइप का डेटा को हमने डिक्लेयर किया कि टी मतलब एक पूर्णांक वैल्यू, टी में जो भी स्टोर होगा वो पूर्णांक वैल्यू स्टोर होगा। फिर उसके बाद हम बात करें कि टी में डिफाइन किया क्या, टी का मान हमने डिफाइन किया कि जो ए नाम का डबल ए नाम का टेक्स्ट बॉक्स है उसमें जो वैल्यू होगी वो किसकी हो जाएगी, हम तो डायरेक्टली तो कर सकते थे यार, डायरेक्ट ए ए जहां एमएससी बॉक्स लिखा है टीटी कर सकते, टी की जगह ए कर सकते, तब भी वही आता, लेकिन यदि कहीं जरूरत पड़ जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी ना,
तो अभी हमने उसको क्या किया कि टी का मान ए में कन्वर्ट कर दिया, किसमें कर दिया, कर दिया ए का मान टी में, टी का मान ए में। तो अब हमने क्या कर दिया, मैसेज बॉक्स मतलब एक मैसेज बॉक्स को डिस्प्ले कराया, उसमें टी का मान प्रिंट करा दिया, बस यहां पर हमने ऊपर डिफाइन डिक्लेयर किया, बीच में डिफाइन किया, नीचे कॉल किया, जी कॉल करना कहलाता, क्या कहलाता, तीन चीजें होती है एक वेरिएबल में, डिफाइन या डिक्लेयर, डिफाइन और कॉल। ऊपर हम डिक्लेयर कर रहे हैं वेरिएबल को, वेरिएबल क्या कर रहा है, वेरिएबल है ये, और नीचे क्या है, टी कॉल डबल ए, इसको हमने क्या डिफाइन किया, क्या किया, वैल्यू डिफाइन की है। आप लिख भी सकते थे 10, 20, 30, 40, लेकिन हमने कहा नहीं, टेक्स्ट बॉक्स में बदलोगे तो यहां पर ऑटोमेटिक होता है और यहां कॉल कर दी। अब इसके स्थान पर हम और कुछ कर सकते हैं, क्या कर दें, डबल कर दें। अब देखिए डबल का अर्थ क्या हुआ, अरे भाई डबल का अर्थ क्या हुआ, तो देख लो ना हमें क्या मालूम, दशमलव भी आ गया, आया अब आपको पता चली कि दशमलव में कोई भी वैल्यू चाहिए थी और आपने इंटीजर लगा दिया तो नहीं आएगा ना, क्योंकि डबल की अपने आप में अलग साइज होती है, अलग मेमोरी साइज होती है, अलग स्पेस होता है, लेकिन हर जगह नहीं लगा सकते आप। ए कहीं के दशमलव में नहीं चाहिए, उधर तो हमें पूर्णांक चाहिए, तो उधर क्या लगाओगे, इंटीजर लगाओगे। उन्होंने कहा नहीं, वो तो परसेंटेज हमें दशमलव में चाहिए, तो आप क्या लगाओगे, डबल लगाओगे या सिंगल लगाओगे। उन्होंने कहा नहीं यार मार्क्स बनना है, तो मार्क्स दशमलव में मार्कशीट में प्रिंट करके देखे तुमने, 10.5 मार्क्स मिले, ऐसा हुआ कहीं, यदि आप हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस में मार्क्स भरोगे तो आपको वहां क्या चाहिए, पूर्णांक चाहिए ना, आप पूर्णांक के लिए क्या करोगे, इंटीजर डिफाइन करोगे, क्लियर। तो जिस तीन हमने जो डेटा टाइप अभी समझाया, इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम है, स्ट्रिंग कैरेक्टर टाइप इंटीजर, इंटीजर पूर्णांक डबल डेसिमल 20 अंकों तक ले सकता है डेसिमल, क्लियर। तो इस तरीके से हम भैया क्या कर सकते हैं, ओके ओके क्लियर बन जाएगा सर। ये कमांड क्या होता है, कमांड टू बोर्ड लगाते कमांड कहाँ लिखा, कमांड बटन का नाम सर, वो कमांड टू जी, तो कमांड जे भी है, सही पूछा, कोई दिक्कत नहीं, कमांड टू नहीं है, इसका नाम आप रख दो राधे राधे, ये चेक कर दो, कुछ भी लिख दो, हो गया चेक, कैप्शन है चेक, इसका नाम है। अब जे काम अभी तो कर रहा है, लेकिन इधर क्या आ गया, जे चीज कायम डाल उठा के, जिसका नाम था, किसका, कमांड का नाम रख दिया, अभी बाय डिफॉल्ट था, अब उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया, चेक, तब भी वही काम करेगा, ठीक है। वो बाय डिफॉल्ट जैसे टेक्स्ट आता है, जैसे तुम देखो यहां पर जाओगे, अब कमांड क्या आएगा, थ्री, इधर अपने आप आ गया कमांड। यदि हमने यहां पर एक और टेक्स्ट बनाया तो इसका नाम क्या होगा, टेक्स्ट फोर, देखिए इसका नाम बदल दिया था, क्योंकि टेक्स्ट फोर लिखने में तकलीफ होगी, डायरेक्ट हमने अपने शॉर्ट नाम रख लिया, हमें तो याद करना है, ठीक है, एस टी आर करके स्ट्रिंग, देखो स्ट्रिंग को एस टी आर से भी डिक्लेयर कर सकते, एस टी आर एन, एस टी आर टी, एस टी आर ए, एस टी आर वी स्ट्रिंग, अब न्यूमेरिक है तो एस टी आर एन यू एम
ए भैया लाइट नहीं है, पंखा बंद कर ले।